जनपद में शुक्रवार को सातवें दिन भी ठंड का सितम जारी रहा। सुबह आसमान में घना कोहरा छाया रहा, लेकिन दोपहर बाद सूर्यदेव के दर्शन हुए, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। लेकिन शाम को पछुआ हवाओं की वजह से गलन बढ़ी, जिससे लोग ठिठुरते नजर आए। जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार को सबसे ज़्यादा ठंड 7.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम अभी सर्द रहेगा और आगामी दिनों में ज़्यादा घना कोहरा और शीतलहर रहने की संभावना व्यक्त की गई है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को 8.4, 2 जनवरी को 11.4, 3 जनवरी को और 4 जनवरी को 10.6, 5 जनवरी को 9.6 और 6 जनवरी को 7.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर न्यूनतम दर्ज किया गया है। ठंड से बचने के लिए नागरिकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि घने कोहरे में वाहन चलाते समय हेडलाइट को जलाकर चलें, बहुत ही आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकलें और निकलते समय गर्म कपड़े पहनकर निकलें। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसको रुकने के लिए शहर में रैन बसेरा बनाया गया है और साथ ही साथ प्रशासन द्वारा कंबल वितरण किया जा रहा है। जिला प्रशासन हर तरह से लोगों की सुविधा के लिए तत्पर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, जो अभी आज रात जो कटा है वो सबसे ज़्यादा सीवियर कोल्ड था। जो IMD द्वारा रिपोर्ट जो आज हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार 7.9 डिग्री सेल्सियस रहा है कल गोरखपुर का जो तापमान था, न्यूनतम तापमान। अगर हम पिछले 1 तारीख से लगाए अभी कल तक का, अगर आज तक का वो देखते हैं तो उस हिसाब से अभी जो लगातार तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है, जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार डाउनफॉल होता रहा है। तो इसलिए अभी मौसम थोड़ा सर्द रहेगा और अभी जो IMD द्वारा सूचना प्राप्त हुई है, अभी आगामी दिनों में घने से अधिक घना कोहरा रहने की संभावना व्यक्त की गई है, शीतलहर की भी संभावना व्यक्त की गई है। तो अभी आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक अभी शीतलहर की संभावना बनी रहेगी। सर पिछले 4 दिनों से मौसम खराब है, क्या कितना? देखिए अगर हम बात करें तो 1 तारीख को न्यूनतम तापमान 8.4 था, उसके बाद 2 तारीख को थोड़ा मौसम ठीक हुआ, 11.4 रहा न्यूनतम तापमान। उसके बाद 3 और 4 तारीख को 10.6 और 5 तारीख को 9.6 और 6 तारीख को 7.9। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे जो कोल्डेस्ट डे रहा वो कल रात का समय था, 7.9 जो हमारा टेम्परेचर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं है डे टेम्परेचर और मतलब मैक्सिमम और मिनिमम में बहुत डिफरेंस भी नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो भी आगे थोड़ा कोहरा रहेगा और शीतलहर की संभावना बनी रहेगी। सर क्या अपील करना चाहेंगे? जी मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी लोग ड्राइविंग कर रहे हैं वो हेडलाइट्स को ऑन करके ड्राइविंग करें, बहुत आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकले, पूरे कपड़े पहने और
और मतलब भोजन सभी तक रहे। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं, उन्हें कहीं स्टे करना है, तो रैन बसेरे यहाँ पे 24/7 एक्टिवेटेड हैं। हर जगहों पे, हर मेन जगहों पे रैन बसेरे हैं। उसका गूगल पे भी उसको आप सर्च कर सकते हैं तो कहाँ पर रैन बसेरे स्थापित हैं। तो हर तरीके से सारी समुचित व्यवस्थाएँ प्रशासन द्वारा की गई है। कंबल इत्यादि भी वितरित हो रहे हैं। तो इसमें इस शीत तहर से अपने आप को बचाएँ और अपनों को बचाएँ। धन्यवाद।